यस। सो इस क्वेश्चन में ना पीपल, मैं पीडीएफ है ये, इस पे लिख तो नहीं पाऊंगी अनफॉर्चुनेटली, बट आपको मैं समझा सकती हूँ कि ये हमारी केमी ऑस्मोसिस का डायग्राम है, राइट है। केमी ऑस्मोसिस के डायग्राम में आपको मैंने ऐसा सिखाया था कि F0 एंड F1 पार्टिकल होता है माइटोकॉन्ड्रिया के, क्या कहते हैं उसको, मेम्ब्रेन में, माइटोकॉन्ड्रिया हो या क्लोरोप्लास्ट हो उसके मेम्ब्रेन में। एंड F0 और F1 पार्टिकल जो नीचे का होता है वो घूमता है मोटर जैसे, एडीपी से वो एटीपी बनाएगा। तो कन्फर्मेशनल चेंज, वो मोटर जैसे घूमना, इज सेम थिंग। तो यहाँ पे सही आंसर इसलिए डी था, एटीपी सिंथेस, दैट वुड बी योर राइट आंसर। समझे? कौन पूछ रहा था मुझे वैसे अभी ये? ये बताना था इसमें कौन सा घूमता है। नीचे वाला हिस्सा, F0 F1 पार्टिकल होता है ना, F1 पार्टिकल विल रोटेट। तो मैं F0 पार्टिकल बता रहा हूँ कौन सा है। हाँ, बट यहाँ पे लिखती, यहाँ पे आपके डायग्राम में F0 F1 से अलग से नहीं पूछा है, डायरेक्टली ए बी सी डी पूछा है। तो ए बी सी क्या है? ए बी सी आपके साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फॉस्फोलेशन है, ठीक है, फोटोसिस्टम 1 एंड 2 है। डी जो है, डी है आपका एटीपी सिंथेस। तो आपको हर एक लेबलिंग जो अगर याद होते ना, तो एटीपी सिंथेस आप देख सकते हो कि प्रोटॉन जा रहा है वहां से, कैन यू सी द डायग्राम, प्रोटॉन जा रहा है, एटीपी बन रहा है, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट वो एटीपी सिंथेस है। एंड कन्फर्मेशनल चेंज F1 पार्टिकल में आता है रोटेट होके, जो एडीपी प्लस आईपी को घुमा के एटीपी बनाएगा। समझे? ओके। और का कुछ पूछा था किसी ने? पीपल बोलो। जल्दी जल्दी। हाँ, हम लोग ना आज बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सभी को खुशी मिल जाएगी उस चैप्टर को देख के, बट पहले मुझे खुशी दो ये बोल के कि इज देयर एनीथिंग जो आप डिस्कस करना चाहती हो? अंजलि चौधरी थी क्या पहले क्लास में हमारी? यस, शी वाज देयर। अच्छा, सभी को, अच्छा 90 बोल रही है क्या नंदिता? ओके, क्या है 90, देखते हैं। ओके, 90 में ये पूछा है कि अमाउंट ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच कितना बना है क्लोरोप्लास्ट में, वो दिया गया है कब? आफ्टर द एक्सपोजर ऑफ हर्बिसाइड। हर्बिसाइड मतलब क्या बच्चों? मैंने डीसीएमयू, एक इनहिबिटर होता है जो हर्बिसाइड में यूज होता है, करके कहा था। तो ये हर्बिसाइड मतलब जो अनवांटेड प्लांट्स को रिमूव करेंगे। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि एटीपी एंड एनएडीपीएच का ग्राफ दिखाया के रखा है, एंड जब हम उसको लाइट देंगे कुछ दिन के लिए तो क्या होगा, एंड थोड़ी देर के बाद वीड्स को हम, हर्बिसाइड को हम अगर एक्सपोज करें तो क्या होगा? तो इस बात पे अगर हम लाइट को पहले एक्सपोज करते हैं, बाय डिफॉल्ट लाइट रिएक्शन चलेगी, एटीपी एंड एनएडीपीएच नॉर्मल से बनेगा। उसके बाद जब हम उसको एक्सपोज करते किसी हर्बिसाइड से, उससे क्या होता है, हर्बिसाइड से अगर आप देखोगे ग्राफ में, अब हमें ये नहीं पता कि हर्बिसाइड में केमिकल कौन सा है, ठीक है, अब आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता कि कौन सा केमिकल है। तो अब हम ग्राफ के ऊपर से कुछ अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं। देखो, पहला वाला जो ग्राफ कहता है वो क्या कहता है, लाइट की प्रेजेंस में क्या हो रहा है, एटीपी क्या हो रहा है, एकदम से बढ़ रहा है, एंड हर्बिसाइड को एक्सपोज होते ही फ्लैट लाइन दिखा रहा है। Whereas, अगर आप NADPH का ग्राफ देखो, NADPH का ग्राफ दिखाते ही क्या हो जाता है, हर्बिसाइड जहाँ पे लिखा है वहां पे थोड़ा सा डिक्लाइन आ रहा है, मतलब ग्राफ जो है वो नीचे आ रहा है, मतलब वहां पे फोटोसिंथेसिस रुक जा रही है। इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा मॉलिक्यूल है हर्बिसाइड में जो NADPH के अमाउंट को रोक रहा है। तो हम इससे क्या पता लगा सकते हैं कि अब ऑप्शन में देखो क्या है, इनहिबिटिंग रिडक्शन ऑफ एनएडीपी, इनहिबिशन ऑफ ऑक्सीडेशन। सी सी तो ऑप्शन वैसे भी नहीं है, ऑक्सीडेशन ऑफ एनएडीपीएच यहाँ पे होगा नहीं। देन अल्टरिंग द मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन, मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, ये भी नहीं होगा क्योंकि इसका और एनएडीपी और एटीपी का कनेक्शन यहाँ पे जमता नहीं है कुछ। बट आपको लॉजिक यहाँ से लगाना है कि ग्राफ में एनएडीपीएच में जो हो रहा है ना, एनएडीपीएच में टाइम के दौरान आप देख सकते हो ग्राफ नीचे आ जा रहा है हर्बिसाइड से, विच मीन्स एनएडीपीएच का जो प्रोडक्शन है वो रोका जा रहा है। तो जरूर हमारे हर्बिसाइड में ऐसा कुछ होगा जिसने एनएडीपी के रिडक्शन को अफेक्ट करा है। लाइक दैट यू कैन अप्लाई द नॉलेज। हाँ ठीक है प्रिया, कर दूंगी मैं। ओके, यस यस, आई विल डू दिस। सही
सभी को पेपर चाहिए क्यों? आप अच्छा आप लोगों के पास पेपर मिलता नहीं है ना? ठीक है, एक बार देख लो तो क्वेश्चंस, सी दो क्वेश्चंस वंस, किसी को अगर कोई डाउट है याद आ जाएगा परसों के पेपर में क्या क्या करा था हमने। बाद में ना बोलना मैम हमें याद नहीं है, मैं दिखा रही हूँ क्वेश्चंस को, एक बार देख लो, कुछ भी डाउट है तो पूछो नाउ। एंड विल स्टार्ट विथ एनिमल फिजियोलॉजी। खुश हो जाओ यार, खुश होके शक्लें दिखाओ अपनी। सी कीप चेकिंग। हाँ हाँ शिवा, वैसे कितने लोग हैं जिसने अटेंड नहीं करा है टेस्ट? ऑनेस्टली बताना, सच्ची सच्ची बताना, क्योंकि वैसे बाद में तो मुझे मार्क्स जब मिलेंगे तब दिख ही जाएगा, बट टेल मी आप लोग ऑनेस्टली चैप्टर किसने अटेंड नहीं करा बोलो। 15 नहीं करवाओगे? चैप्टर 15 आपके इसमें डिलीटेड है ना? डेवलपमेंट या है? मैम है सिलेबस में ओके ठीक है, कराएंगे फिर उसको भी कराएंगे। तो आज ही कोई भी सिलेबस डिलीटेड हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, अभी हमारा एम सिर्फ इतना है कि आपके फाइनल एग्जाम का चैप्टर ज्यादा करे। अगर 15 चैप्टर है तो कोई बात नहीं, उसको भी ले लेंगे, जस्ट बिकॉज मेनी पीपल विल ऑन डिमांड कि थोड़ा एनिमल फिजियो को स्टार्ट कर देते, क्योंकि 6-7 चैप्टर है उसके, दैट्स वाई वी आर स्विचिंग। तो 2 चैप्टर एनिमल के करके बाद फिर से हम प्लांट का भी ले लेंगे, बहुत बोर हो जाता है वो, स्टैग्नेंट हो जाता है, एक ही चीज एक ही चीज एक ही चीज। सो मैम दैट इज लास्ट वाई टाइम हाँ बच्चों के डिमांड के ऊपर हम थोड़ा शिफ्ट करें, मजा आ जाएगा, कुछ नहीं, थोड़ा रिफ्रेश हो जाएगा ब्रेन, थोड़ा अलर्ट हो जाएगा। यस ओके शाफिया क्यों नहीं अटेंड किया बच्चे? मैम एक्चुअली ना संडे को रिचार्ज खत्म हो गया था तो फिर मैसेज भी नहीं सीन किया था रात को। फिर सब मंडे को रिचार्ज किया तो मैं सोची क्लास होगी, जब रिचार्ज के बाद पता चला टेस्ट था, वो भी तीनों सब्जेक्ट का। अरे यार ये गलत बात है, सैटरडे को ही बोल के था ना, रखा था सब लोगों ने कि टेस्ट है टेस्ट है, फिर आपने रिचार्ज करना था। अच्छा और मैम कौन है जिसे रिलेट? हाँ मैम ब्रीथिंग चैप्टर करवाओगे? यस, क्योंकि आपका डाइजेशन जो डिलीटेड है ना। मैम ओके अभी ये तो देख लो सारा कुछ क्लियर है क्या, आगे चलेंगे फिर, इनमें से कहीं पे डाउट है क्या देख लो। सी मुझे एक बार मैसेज करना बच्चों क्लास होने के बाद, टू पुट दिस इन द ग्रुप, वरना मैं भूल जाऊंगी, क्योंकि बाकी का क्लास लेते लेते फिर मैं भूल जाऊंगी सडनली। तो समबडी एक बार ग्रुप में ही डाल दो कि मैम प्लीज सेंड बायो पेपर करके कुछ, तो मैं सेट कर दूंगी, नोट्स के साथ ही कर दूंगी वैसे, बट इन केस आई फॉरगेट देन प्लीज रिमाइंड मी। ओके सी दिस नाउ क्विकली। अलीशा एंड्रॉइड गेमिंग से बहुत दिनों के बाद मिल रही हूँ वैसे। साक्षी ज्वाइन, स्नेहा यादव अगेन ज्वाइन लेट, पता नहीं स्नेहा क्यों लेट ज्वाइन करती है। ओके किसी को कोई डाउट ही नहीं है क्या, फिर डायरेक्टली चैप्टर पे चले? यस यस मैम यस मैम मैम ठीक है, इसको बंद कर दे रही हूँ फिर मैं। ओके एंड लेट्स स्टार्ट दिस। ओके सो वी आर स्टार्टिंग विद ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज। बीच में क्लास को छोड़ के ना जाइएगा। पलक को 76 चाहिए, अभी बोल रहे हो यार पलक, क्या था 76 क्वेश्चन वैसे? अब मुझे फिर से ओपन करना पड़ेगा वो, कब से ओपन करके रखा था मैंने, कहाँ थे आप? मैम, क्लास स्टार्ट करा दो ना, बाद में करा देना। ठीक है चलेगा ना। यस मैम वेन लोडिंग ऑफ सुक्रोज इनटू कंपेनियन सेल्स। अच्छा सुक्रोज का ट्रांसपोर्ट हमेशा एक्टिव
ट्रांसपोर्ट होगा, सिंपल डिफ्यूजन तो करेगा नहीं क्योंकि डिफ्यूजन सिर्फ पानी का और गैसेस का होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता है क्योंकि ये लगता है एक बड़ा मॉलिक्यूल है, ये सुक्रोज इज अ बिग मॉलिक्यूल, तो उसको वहां से यहाँ पे या फिर कोई भी दिशा में उसको अगर हम ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं तो हमको एनर्जी लगेगी, एंड बिकॉज इट इज अ बिग मॉलिक्यूल हमको उसको डाइसेकरेट के होने की वजह से अपहिल ट्रांसपोर्ट या डाउनहिल ट्रांसपोर्ट करने के लिए एटीपी का जरूरत लगता है. सो विच मीन्स इसका आंसर होना चाहिए एक्टिव बी, 76 का बी है. ये जो डिलीटेड चैप्टर्स है ना, चैप्टर 6 एंड ऑल, हाँ आपके नीट में तो है, भले ही आपको यहाँ पे डिलीटेड है बट आपके नीट में है. सो हम आपका 11th का पोर्शन जब खत्म हो जाएगा उसके बाद, एग्जाम्स होने के बाद, बिफोर वी स्टार्ट 12th, 12th का सिलेबस स्टार्ट करने से पहले इन चैप्टर्स को कराएंगे एंड देन विल गो टू द नेक्स्ट ईयर. ठीक है, सो डोंट वरी, अगर आपका डिलीटेड है भी तो भी लॉन्ग लॉन्ग टर्म के लिए आपको डिलीटेड नहीं है, हमको पढ़ना ही है. सो वी विल डेफिनेटली डू दैट. हाँ हम कराएंगे, वही बता रही हूँ ना मैं. ओके, तो देखो आज का जो टॉपिक है कि हम देखने वाले एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड ब्रीदिंग के बारे में, जिसमें हम अलग अलग चीजें देखेंगे जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, मैकेनिज्म कैसा है रेस्पिरेशन का. स्नेहा बहुत लेट ज्वाइन करते हो बच्चा आप क्लास. देन गैस का एक्सचेंज एंड ट्रांसपोर्ट, रेगुलेशन एंड डिसऑर्डर्स. तो आज के लिए एटलीस्ट इतना तो देखते हैं, लेट्स सी कि क्या क्या है हमारे रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग में. अच्छा किसी को पता है ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन का डिफरेंस? ऐसा कोई होशियार विद्वान पंडित हमारे क्लास में? यस मैम, यस बोलो. मैम यस बोलो. मैम. ब्रीथिंग तो वो होता है जब सिंपल हम इन्वायरमेंट के साथ एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं, सिंपल का ऑक्सीजन को इनहेल करना, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करना. लेकिन रेस्पिरेशन वो होता है जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, उसके बाद जो हमारे सेल के साथ कॉम्बिनेशन होता है जिसमें एटीपी हमारी यूटिलाइज हो जाती है, फिर उसके बाद जो हमारा एंड प्रोडक्ट बनता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और फिर उसके बाद जो हमारे नॉस्ट्रिल्स होते हैं उसके अंदर, जो हमारे नॉस्ट्रिल के अंदर हेयर्स होते हैं वो हमारा काम करते हैं, जितनी भी सारी गैसेस होती हैं वो सारे उसको फिल्टर करने का काम करते हैं. एक्सेल, हाँ सिंपल हाँ यही है कि फिल्टर ऑक्सीजन करेगा. को इनहेल करने के बाद उसके साथ एटीपी को यूटिलाइज करना अपने सेल के अंदर. ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, एंड वेरी मच क्लैप्स फॉर सलीम. आपका नाम मैं भूल गई, बता दो. प्रिया ना? सानिया, सानिया, सानिया. तो सानिया, यस, यस मैम. वेरी करेक्ट आंसर बच्चा जी, एंड रियली अप्रिशिएटेबल कि जो भी हम करते हैं एक्टिविटीज, एक्टिविटीज करने के लिए हम खाना खाते हैं, राइट? खाना नहीं खाओगे तो आपको एनर्जी नहीं मिलती है, बट खाया हुआ खाना डाइजेस्ट होने के बाद जब सेल में जाता है, अब आपने डाइजेशन पढ़ा नहीं है इसलिए बहुत सारी चीजें आपको पता भी नहीं होगी, ठीक है? बट एनीवेज, डाइजेशन होने के बाद जब सेल तक पहुंचेगा ना, ब्लड से जाएगा हर एक, पूरे बॉडी के हर एक सेल तक जाएगा पूरा आपका खाना, करेक्ट? तो खाना जब सेल के अंदर जाता है एज अ सम मोनोमर, चाहे वो ग्लूकोज के फॉर्म में हो, फैट्स हो, प्रोटीन्स हो, तब उसका क्या जर्नी है, उसकी क्या क्या लड़ाई होती है, किन से लड़ाई होती है, किन से झगड़ा होता है, क्या क्या रिएक्शंस होती है, एंड कैसे उनसे एनर्जी मिलेगी अल्टीमेटली, वो कहलाता है रेस्पिरेशन. एंड जैसे अभी हमको कहा, किसने कहा अभी, सानिया ने कहा कि ब्रीदिंग क्या होगा, जहां पे हम सिंपली कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का एक्सचेंज करते हैं थ्रू अवर ऑर्गन्स. यहाँ पे ब्रीदिंग के ऑर्गन्स जैसे लंग्स हो, नोज हो, ये सारे इन्वॉल्व होते हैं. बट रेस्पिरेशन में क्या होता है, ये एक सेल के अंदर वाला प्रोसेस है, इनसाइड द सेल होने वाला है, एक केमिकल बेस्ड प्रोसेस है जिसको हम बायोकेमिकल कहते हैं, जहां पे एंजाइम्स यूज होती है. तो एक्चुअल ब्रेकडाउन जो हम होगा हमारे खाने का इनटू द एनर्जी, वो कहलाएगा रेस्पिरेशन. इन दोनों टर्म्स में किसी को कोई डाउट कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन? एनीवन? तो मैम अभी हम लोग बहुत स्लो जा रहे हैं, सो दैट ईच एंड एवरीथिंग इज अंडरस्टूड बाय यू. देखो मैम यहाँ एक पे बार बच्चा, रिपीट कर दीजिए. ओके सो देखो ये बच्चा क्या कर रहा है, ब्रीदिंग कर रहा है, क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को अंदर लिए जा रहा है. ऑक्सीजन को अंदर लेके कहाँ जाएंगे हम? लंग्स के पास. लंग्स के पास से क्या होता है, आजू बाजू में जो सेल्स होती है, ब्लड कैपिलरीज होती है, वो क्या करती है, लेके जाती है हार्ट के पास, एंड हार्ट से पूरे बॉडी में सप्लाई हो जाएगा ब्लड. सही बात, इतना तो हमें पता है. एंड जो भी इम्प्योर ब्लड है वो क्या करता है, वापस से लंग्स के पास लेके आएगा, एंड CO2 जो है वो बाहर निकालेगा.
ये बेसिक हमें पता है। तो अब ऑक्सीजन जो अंदर गया, ऑक्सीजन जो जाएगा सेल के पास, तो सेल ने क्या रखा है, सेल ने ग्लूकोज भी अंदर लेके रखा है डाइजेशन के दौरान। तो कैसे देखो, डाइजेशन, सर्कुलेशन एंड रेस्पिरेशन तीनों भी कैसे लिंक्ड है। डाइजेशन है हमारा फूड ब्रेक डाउन करना, एंड पेट में जो ब्रेक डाउन होता है उसको हम सेल्स की तरफ पहुंचाएंगे विद द हेल्प ऑफ ब्लड। तीनों में एक ही माध्यम का यूज हो रहा है, सेम मीडियम। गैसेस को भी हम ब्लड से ही पहुंचाते हैं, खाना को भी हम ब्लड से ही पहुंचाएंगे, एंड सर्कुलेशन भी ब्लड का ही होता है ऑफकोर्स। तो ये जो खाना जब सेल के अंदर होता है, इसको हम अब तक देखा ना रेस्पिरेशन में ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए, एट द एंड फाइनल एक्सेप्टर कौन था, ऑक्सीजन था। मतलब ऑक्सीजन के बिना रेस्पिरेशन अधूरा है, एरोबिक रेस्पिरेशन स्पेसिफिकली। तो जब ऑक्सीजन वहां पे होता है, वो क्या करेगा, ग्लूकोज को कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करेगा टू फॉर्म एटीपी। एंड इस मेटाबॉलिज्म के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, उसको वापस से हम ब्लड में भेजेंगे, लंग्स में भेजेंगे, नोज में भेजेंगे एंड बाहर। तो ब्रीदिंग मतलब क्या, ब्रीदिंग मतलब हम जब नोज एंड लंग्स से सिर्फ गैस को इनहेल करते हैं एंड एक्सहेल करते हैं, सिर्फ गैसेस का एक्सचेंज होना और पूरे बॉडी पार्ट्स में गैसेस को ये करवाना, आजू बाजू में फैलाना, दैट इज कॉल्ड ब्रीदिंग। फाइन, रेस्पिरेशन मतलब क्या, जब सेल के अंदर उस गैसेस को हम क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस, दैट इज योर रेस्पिरेशन। जैसे ग्लूकोज को हमने यूटिलाइज किया किसके लिए, ब्रेकडाउन के लिए, ग्लूकोज का, ऑक्सीजन को यूटिलाइज किया ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के लिए, ट्रू। एंड ब्रेकडाउन के दरमियान जो हमने केल्विन साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड निकाला था कि नहीं, तो हम उसको सेल में तो नहीं रख सकते क्योंकि वो बहुत हार्मफुल है, वी कैन नॉट कीप द कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड द सेल, उसको बाहर निकालना होगा। सेल से बाहर निकाला, ब्लड की तरफ गया, ब्लड से बाहर निकाला, लंग्स, लंग्स एंड नोज। सो सेल के अंदर जो चीजें हो रही है, दैट इज रेस्पिरेशन सिंपली। एंड जो हम सिर्फ गैसेस का अंदर बाहर कर रहे हैं, ब्रीदिंग, दैट इज थ्रू ऑर्गन्स, वो होता है ब्रीदिंग। यस, क्लियर? यस मैम। हाँ संजय, खुशी आप बीच बीच में जा रहे थे छोड़ के, सो मेक श्योर यू डोंट गो। ठीक है, तो ये सेम चीज है, आई थिंक आप पढ़ ही सकते हो कि व्हाट इज ब्रीदिंग एंड व्हाट इज रेस्पिरेशन, सेम ही चीज को अगेन रिपीट करके रखा है कि ये एक फिजिकल प्रोसेस है, ये एक बायोकेमिकल है, ये ऑर्गन्स के लेवल पे होती है, लेवल यहाँ पे सेलुलर लेवल पे है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज, यहाँ पे ब्रेकडाउन ऑफ फूड। सो सेम चीज है व्हाट आई हैव टोल्ड यू, नॉट मच टू एक्सप्लेन देयर। ओके, नाउ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में क्या क्या हम देखते हैं, तो आप लोग मुझे यहाँ पे आंसर करोगे क्योंकि आप लोगों ने एनिमल किंगडम पढ़ रखा है। सो नाउ यू पीपल, ब्रिलियंट पीपल हो, बहुत सारे अच्छे अच्छे बच्चे हैं मेरे, मुझे पता है कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ब्रीद करेगा। अच्छा, आप लोगों के स्कूल्स में हुआ है क्या बच्चा लोग ये, सभी को? No, have you all done this? No, ma'am. नहीं हुआ है, पहली बार ही कर रहे हो? Yes, ma'am. अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, फिर भी कोई नहीं। हाँ, एनिमल किंगडम तो करके रखा है, मुझे कोई बहाने नहीं सुनने, चुपचाप बताओ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कौन रेस्पायर कर सकता है, सोचो सोचो, थिंक, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अभी तो खाना खा के भी आए होगे ना, उस ग्लूकोज को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेक डाउन करो एंड ब्रेन चलाओ। नो वन, कैन आई से पीके कर सकते हैं, कैन आई से दिस कि पीके जो है हमारे वो करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रेस्पिरेशन। पीके में किसी ने ये पढ़ा है क्या? अब ना कहना कि ये हमने पढ़ा ही नहीं है, वरना मैं सच में अपना माथा फोड़ दूंगी। मेसोजोम्स पढ़ा था, पूरी फेरा पीके है। yes, ये भगवान, चक्कर आ रहे मुझे अब, पूरी फेरा पीके कब से हो गया? What is PK? बच्चों रुक जाओ, जो newly joined है शायद उनको पता नहीं है PK क्या है? Prokaryotes. हाँ, फिर ये पूरी फेरा prokaryote में कब से आ गया? Mesosomes पढ़े हैं हमने, याद होगा किसी को, बच्चा जो मैं newly joined है ना उनको लिख देती हूँ, वरना वो बोलेंगे कि ये क्या PK सिखा रही है, मैम खुद PK आई होगी। Prokaryotes. Okay. So prokaryotes मतलब क्या, हमारे bacteria at all, correct? Fungi bacteria. तो फंगाई बैक्टीरिया क्या है, एक सेल से बना हुआ है, उनमें कोई ऑर्गन है क्या? नहीं,
तो बाय डिफॉल्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन से उनका रेस्पिरेशन होना है ना? सही बोल रही हूँ? नहीं देन भूल गए आप लोग, मेसोसोम्स क्या थे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनफोल्डिंग्स थे जो रेस्पिरेशन देन उनके अंदर जो मेटाबॉलिज्म होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होगा, उन सारी चीजों में मेसोसोम्स इनफोल्डिंग जो है हेल्प करते थे. ओके, कैन एनीवन टेल मी थ्रू बॉडी वॉल और थ्रू स्किन ऐसा कौन सा एनिमल है जो ब्रीथ करेगा? मैम फ्रॉग्स. ओके, कॉकरोच, फ्रॉग. ओके, देयर आर मिक्स आंसर. सो आई कैन से कि एम्फीबियंस, कुछ एम्फीबियंस, फ्यू एम्फीबियंस लिख दो. देन ट्रैकियल सिस्टम, ये अगर आपने एनिमल किंगडम ठीक से पढ़ा होगा तो याद आएगा. कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, वो क्या करते हैं? ट्रैकियल सिस्टम से ब्रीद करेंगे. yes, जैसे आर्थ्रोपोडा. देन थ्रू गिल्स, ये तो बहुत ही सिंपल है यार. चलो ये मुझे ओके फिश. देन थ्रू लंग्स. ओके ओके, कैन आई राइट इट लाइक दिस? ये सही रहेगा? यस मैम. सारे ही वर्टिब्रेट. सही बात है. तो देखो एंटायर, अब सबके में चित्र दिखा रही हूँ. यू कैन सी द नाइस नाइस इमेजेस. ये क्या है? निडारिया है, याद है? जेलीफिश. यस मैम. यस मैम. फ्लैटवर्म्स है, फ्लैटी हेलमेंथेस. कुछ भी याद नहीं यार बच्चा लोग, कैसे हो गया यार आप लोगों का? ये फ्लैटवर्म्स याद है, वो पॉरीफेर है. हाँ, ये फ्लैटवर्म्स नहीं है बच्चा जी, प्लीज ट्राई टू पे अटेंशन. समटाइम्स आई विल पर्पसली कंफ्यूज यू. ये फ्लैटवर्म नहीं है, ये एक्वाटिक फिश है. कैसे हो यार बच्चा? मैं कुछ भी बोलती हूँ हाँ बोल देते हो, थोड़ा दिमाग लगाओ अपना भी. सो निडारिया हो गया, या जो हमारे पोरीफेरा है, ये सारे क्या है? पूरे बॉडी सरफेस से, बिकॉज ये सेलुलर है. आपको याद है ना कि इनके इनमें सिर्फ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है. ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन है क्या? नहीं. टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है? नहीं है. बिकॉज ये इनमें सिर्फ सेल से बने हैं, इसलिए पूरे सेल्स ही क्या करेंगे? रेस्पिरेशन में भाग लेंगे, गैसेस एक्सचेंज में पूरा का पूरा. जैसे हमारा प्लांट भी बच्चा, हमने रेस्पिरेशन में अभी क्या देखा कि प्लांट में भी कोई ऑर्गन सिस्टम नहीं है फॉर द रेस्पिरेशन. क्यों? पूरा प्लांट का बॉडी हर एक जगह, चाहे वो लीफ हो, स्टेम हो, फ्लावर हो, हर एक सेल क्या कर सकता है? स्टोमाटा बेयर करता है एंड एक्सचेंज कर सकता है. सेम, अब यहाँ पे स्टोमाटा नहीं होगा, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज. हेलो मोहित जी, हो गया चाय वाय पी के, सब कुछ हो गया? ये एनिमल किंगडम सिखा रही हूँ मोहित मैं. कोई बताओ यार हमारे बच्चे को क्या सिखा रही हूँ मैं? चैप्टर 17, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ब्रीदिंग करा रही हूँ बच्चा मोहित, हम ब्रीदिंग करा रहे हैं, उसमें थोड़ा सा एनिमल को लेकर जा रहे हैं. देखो ये हमारे क्यूट से जो इंसेक्ट्स है, इंसेक्ट्स में होते हैं ट्रैकियल सिस्टम. ये कौन है हमारा क्यूट सा ब्लैक स्किन और मॉइस्ट या क्यूटिकल से जो करता है रेस्पिरेशन, कौन है ये? और क्या कर रहा है पता है? किसी बच्चे ने बता कि मैम ये आपको क्यूट कैसे लगने लगे? मतलब क्यूट सा तो है यार, क्या कर रहा है? तो बोले सो रहा है. कैन एनीबडी टेल मी कि ये कर क्या रहा है? ब्लड सकिंग. ये ब्लड सकिंग. ऑसम पीपल यार, आप लोगों के साथ ज्यादा मेहनत नहीं लगती मुझे. गुड. तो ये लीच है विच इज ट्राइंग टू सक द ब्लड, एंड ये इनके एग्जाम्पल्स है जो पूरे स्किन से या क्यूटिकल से, अर्थवर्म हो गया, रेस्पिरेशन कर सकते हैं. देन हमारा फिश, इवन टैडपोल्स, यहाँ पे टैडपोल्स भी. अच्छा मुझे टैडपोल्स एंड फिश का कोई ये बताओ यार, हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन टैडपोल एंड फिश? मुझे बड़ी कंफ्यूजन होती है. कैन एनीवन टेल मी कि टोड्स एंड फिशेस में क्या डिफरेंस है? इतना सारा मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको, 3-4 चैप्टर्स, एक खरा कॉन्सेप्ट आप भी बता दो, कम ऑन बच्चो. टैडपोल एक्वेटिक होता है और मैरिन वाटर में भी रहता है. अच्छा, एंड फ्रॉग? टैडपोल एंड फ्रॉग का डिफरेंस चाहिए, नॉट फिश, सॉरी, टैडपोल्स एंड फ्रॉग का डिफरेंस चाहिए मुझे. टैडपोल सिर्फ पानी में रह सकता है, पर फ्रॉग पानी में और प्लांट दोनों जगह रह सकता है. ओके अंजलि, ओके शिवा, नॉट फुल्ली करेक्ट बच्चा जी. टैडपोल जो है ना वो लार्वल फॉर्म है.
किसके? फ्रॉग के ही। अगर आप गूगल करके देखोगे ना तो छोटे से ऐसे लंबी टेल वाले ऐसे कुछ आएंगे। तो पता है आपने डिफरेंस पूछा था ना, इसलिए बता रही थी। हाँ, तो आपका कॉन्सेप्ट सही है फिर। अगर आपको पता है व्हाट इट इज देन इट्स ओके। एंड जो फ्रॉग होता है वो यही आगे डेवलप करके क्या बनेगा, फ्रॉग बनेगा। टैडपोल ही आगे जाके फ्रॉग बनेगा। तो जब टैडपोल छोटा होता है ना तब उसमें लंग्स नहीं होते हैं, है ना, स्किन नहीं होता है अभी तक ठीक से डेवलप, तो गिल से वो रेस्पायर करेगा पानी में। जैसे शिबा ने कहा कि टैडपोल्स पानी में होते, सही बात है, एंड गिल से रेस्पायर करते। फ्रॉग फिर बाद में जब बाहर आएगा वो आइदर लंग्स या क्यूटाइल रिस्पायरेशन हुआ किन से कर सकता है। क्या हो गया निशा? हम क्यूटाइल रिस्पायरेशन हुआ ना, फिर वो क्यूटाइल भी हो सकता है। इधर इधर लिखना चाहिए वो, यहाँ पे क्यूटिकल वाला, ठीक है मैंने यहाँ पे लिख दिया, इट्स ओके ना, यू कैन अंडरस्टैंड दैट। एंड लंग्स तो लास्टली ऑल द वर्टिब्रेट्स। ओके सो दिस इज क्लियर। तो वर्टिब्रेट्स की जो हमारे सिस्टम है रेस्पिरेशन सिस्टम उसको हम देखेंगे। हाँ फ्रॉग एम्फीबियंस होते हैं, ट्रू बच्चा। तो क्या क्या देखेंगे हम रेस्पिरेशन में हमारे वर्टिब्रेट्स के? तो स्टार्टिंग फ्रॉम नोज टू लंग्स, लेट्स सी की नेजल कैविटी से आपकी हवा जाती कैसी है। तो देखो हम शुरुआत करते हैं कहाँ से, यहाँ से जो आपके छोटे छोटे नाक के दो होल्स है जिसमें आप ऐसे उंगली करके डालते हो ना कुछ एंड निकालते हो ना गंदा सा म्यूकस। एक्चुअली दैट इज व्हाट यू नो, दैट इज द म्यूकस जो आपके डस्ट पार्टिकल्स को, जो माइक्रोब्स है उसको फिल्टर करता है। बड़े बड़े डस्ट पार्टिकल्स को अंदर जाने नहीं देगा, जो माइक्रोब्स होंगे बैक्टीरिया होंगे उसको अंदर जाने नहीं देगा। तो निकालना अच्छी बात है, सबके सामने निकालना नॉट अच्छी बात है, ठीक है। अभी हाथ में हाथ नाक में हाथ डाल के मत बैठो सब लोग, पे अटेंशन। सो ये क्या हो रहा है, नाक से नॉस्ट्रिल से जा रहा है एयर टू दिस एयर कैविटी और नेजल कैविटी। वहां से फिर एयर पास होगा फ्रॉम फैरिंग्स टू लैरिंग्स। एनीबॉडी नोज लैरिंग्स क्या है? किसी को कुछ ज्ञान लैरिंग्स के बारे में? यस मैम, यस मैम, प्रोड्यूस करने सम वॉइस। सानिया बहुत ही कम आवाज है, वॉइस बॉक्स, वॉइस बॉक्स। यस, जहां से आप सुंदर सुंदर सी बातें करते हो, साउंड या वॉइस बॉक्स, ट्रू। फिर उसके थ्रू आवाज हवा जा रही है नीचे ट्राकिया में, देन ट्राकिया से थ्रू लंग्स में। लंग्स में आते आते क्या होता है, देखो ये ट्राकिया है, लंग्स में आते आते क्या हो रहा है, इट इज गेटिंग स्प्लिट, सही बात। तो ये जब स्प्लिट होगा उसको हम कहेंगे ब्रोंकाई। पहली बार जैसे ट्री है, मान लो कोई ट्री है, ट्री के कैसे ब्रांचेस आ रहे, तो पहला ब्रांच जो होता है ट्रैकिया का वो होता है ब्रोंकाई, एंड ये ब्रोंकाई फिर आगे जाके और स्प्लिट होता है जिसको हम करते हैं ब्रोंकियोल्स, करेक्ट। एंड ये ब्रोंकियोल्स के एंड में क्या होता है, ऐसे लोब्स लाइक स्ट्रक्चर। किसने कहा था इसको लड्डू लाइक स्ट्रक्चर? ये लड्डू लाइक स्ट्रक्चर होते हैं हमारे एल्वियोलाई। यस यस बच्चा जी, यार आप लोग बहुत ही सही हो यार, सभी को सभी पता है, वेरी गुड, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड मैम। ह्यूमन फिजियोलॉजी है ना इसीलिए। अच्छा, एंड ये कोई बता सकता है कि व्हाट इज डायफ्राम? मम्मी लंग्स के नीचे होते हैं हमारे, जो क्या होता है, लंग्स के नीचे होते हैं जब हम ब्रीथ करते हैं तो वो भी थोड़ी मूवमेंट होती है उनकी। True, true, true. तो this is a muscle, I can say कि एक क्या है, ये एक muscle है जो आपका digestive system है ना, नीचे stomach, intestine, उसको separate करेगा। मतलब आपके जो chest level है, chest level के नीचे जो हिस्सा है, that is your digestive and reproductive system, and about chest you have respiratory system and your cranial system, मतलब brain वाला हिस्सा, सही बात। तो ये डायफ्रागम ऐसा हिस्सा है, एक मसल है, सिंपल सा थिन सा मसल है, जो क्या करता है, सेपरेट करता है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम को। एंड पता है ये मसल जनरली होता है ऐसा कर्व शेप में, दिस इज जनरली अ कर्व डोम शेप, आप देख सकते हो यहाँ पे भी ऐसे कर्व शेप। तो कर्व ही उसका नॉर्मल स्टेट होता है, जब आप उसको रिलैक्स करोगे तो ऐसे नीचे प्रेस हो जाएगा। अब हम आगे देखेंगे रेस्पिरेशन के दौरान तो कैसे उसका इम्पोर्टेंट रोल है। एंड और एक फैक्ट मैं आपको बता चाहती हूँ कि जब भी आपको हिचकियां लगती है, डज एनीबॉडी दो, क्यों वर्क नहीं कर रहे होते हैं इसलिए, क्या होता है जब वर्क नहीं करते हैं ना तो हमें हिचकी आती है।
वर्क नहीं करते सही रहेगा या नंदिता आई फील कि जब बहुत ज्यादा काम करवा दिया मैंने उससे, मतलब बहुत ज्यादा खाना खाते खाते हमने अगर, नहीं या कंफ्यूज करा दिया है डायफ्रेकम को, खाना भी खा रहे हो पानी भी पी रहे हो बात भी कर रहे हो सांस भी ले रहे हो, तो दैट लीड्स टू कंफ्यूजन क्योंकि हम बहुत बार। हाँ बोलो वाटर की कमी हो जाती है उसकी वजह से, लंग्स क्या क्या निशा फिर से बोलो। में वाटर की कमी हो जाती है तब हिचकी आती है। अच्छा ऐसा भी है क्या? आई मीन आई डोंट नो दिस, ओके न्यू इन्फॉर्मेशन थैंक यू, ऐसा होता होगा तो फाइन, तो बट होता, और एक मेरे को जो इन्फॉर्मेशन पता है दैट इज व्हाट, कि दिस इज योर विंड पाइप एंड दिस इज योर फूड पाइप, ठीक है, यहाँ विंड मतलब एयर का जाना होगा, यहाँ पे फूड का जाना होगा, तो इन दोनों की जो एंट्री होती है यहाँ पे अगर गड़बड़ हो गई तो ये जो नीचे डायफ्रैगम है, डायफ्रैगम को पीछे से ये क्या करते हैं पास करके ये चला जाएगा स्टमक के पास, ये चला जाएगा लंग्स के पास, तो समथिंग लाइक दैट यू विल फाइंड। सो व्हेन यू ईट वेरी फास्ट और व्हेन यू ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर व्हाइल टेकिंग द एयर इनसाइड, उस टाइम पे इस वाले हिस्से को डिस्टरबेंस हो जाती है, एंड डिस्टरबेंस दिस विल कॉल अपवर्ड मूवमेंट ऑफ योर लंग्स। अच्छा मैंने लंग्स नीचे निकाल दिया, सॉरी बच्चा जी, लंग्स आने चाहिए ऊपर, सॉरी सॉरी सॉरी, इट शुड कम हियर। तो ये क्या करेगा, लंग्स को ऊपर पुश करेगा, एंड दैट इरिटेशन, इसको ऐसे भी कहते हैं कि डायफ्रैगम जब इरिटेशन हो जाती है बिकॉज ऑफ एक्सेसिव ऑफ वर्क, मे बी बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होता रहा है, मे बी आपने बहुत जल्दी जल्दी खाना खा लिया हो, या कभी कभी बहुत बड़े बड़े निवाले भी लेते हो ना, यू टेक लॉट ऑफ, पूरी एक रोटी खा ली एक साथ, पूरी आधी रोटी खा ली एक साथ, उस टाइम पे डाइजेशन ब्रीदिंग एक साथ हो जाने की वजह से इट विल गेट वेरी मच कंफ्यूज एंड इरिटेटेड विच वुड लीड टू हिकअप्स। बट हमारे दादी नानिया क्या कहते हैं कि हिकअप्स क्यों आते हैं, किसी की याद आ गई, किसी को कुछ हो कोई गया, है ना। याद तो नाउ यू कैन टेल देम कि किसी की याद आने के वजह से मुझे हिकअप्स नहीं आ रहे हैं, मुझे हिचकियाँ उसकी वजह से नहीं आ रही है, उसका कुछ अलग ही रीजन है, दादी को समझा देना आपने। अच्छा ओके, तो लंग्स की तरफ चलते हैं कि व्हाट डू दिस लंग्स हैव। सो लंग्स में एक बहुत ही विशेष चीज है जो है कि राइट और लेफ्ट लंग में ना तीन लोब है, एक तरफ और दूसरी तरफ है दो लोब्स। क्या कोई मुझे बता सकता है कि ऐसा क्यों है, लंग्स में जो दो हिस्से हैं राइट लंग एंड योर लेफ्ट लंग, राइट लंग तो सही है कि उसके तीन हिस्से हैं जी, सुपीरियर पार्ट, मिडिल पार्ट एंड इंफीरियर पार्ट, बट योर लंग विच इज ऑन द लेफ्ट साइड हैज ओनली टू लोब्स। लोब मतलब मतलब हिस्से बच्चा, और कुछ नहीं, इन हिस्सों में डिवाइड करने का कोई भी उद्देश्य नहीं है, देयर इज नो सच डिफाइंड फंक्शन ऑफ दैट लोब्स, बस लंग्स को बनाया ही वैसा है, So, उसका अलग से कोई फंक्शन नहीं है, बस तीन और दो ये क्यों है, कैन एनीबडी पुट योर लिटिल बिट ऑफ लॉजिक, लेफ्ट छोटा शायद क्यों है, सोचो। इसलिए होता होगा क्योंकि हार्ट हमारा लेफ्ट हैंड साइड होता है, लेफ्ट लंग की साइड उसके लिए। वेरी गुड निशा, वेरी गुड, वेरी ट्रू, सही बात है, बट लेफ्ट हैंड साइड हार्ट नहीं होता है, ये चीज फिर से निकालो, ये जो दिल पे हाथ रखते हो ना लेफ्ट वाला, ये पूरी गलत बात है, योर हार्ट इज इन द सेंटर, इन द सेंटर थोड़ा ऑफ सा योर टिल्टेड चेस्ट, होता है बस लेफ्ट की साइड में, या थोड़ा सा या टाइट हार्ट का होता जो एंड है दैट इज लिटिल बिट टिल्टेड टुवर्ड्स योर लेफ्ट, एंड दैट इज व्हाई इट इज सेड कि लेफ्ट, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि बिकॉज हमारा हार्ट थोड़ा सा इस तरफ ऐसा टिल्टेड होगा तभी है। हमारा लेफ्ट लोब जो है, फिर लेफ्ट लंग जो थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस दिखाएगा। ओके क्लियर, देन लंग जो है ना एक इतना अच्छे से प्रोटेक्टेड ऑर्गन है, अगर आप पूरा का वर्टिब्रल कॉलम देखोगे मतलब बोन्स देखोगे आपके पीछे से, मतलब डॉर्सल साइड से, बॉडी का पिछला साइड मतलब क्या, डॉर्सल साइड, डॉर्सल साइड पे क्या आता है, वर्टिब्रल कॉलम आता है, मतलब सारे ब्रोन है हमारे स्पाइनल कॉर्ड के, करेक्ट। देन जो हमारा वेंट्रल साइड है मतलब आगे का साइड जो है पूरे चेस्ट रीजन का, इसके आगे क्या होता है, रिब्स, वी हैव रिब्स इन फ्रंट एंड बैक ऑफ योर बॉडी राइट, तो वर्टिब्रल कॉलम क्या ही हिस्सा है, रिब्स, यू कैन सी, एंड तो हम देख सकते हैं कि आगे एंड पीछे से रिब्स एंड स्टर्नम, हम स्टर्नम भी लिखते हैं, स्टर्नम इज योर चेस्ट बोन या ब्रेस्ट बोन भी कहा जाता है, जो बीच में होता है, इन बिटवीन कनेक्टिंग द बोथ लंग्स या कनेक्टिंग द बोथ रिब्स, दिस वाला सेक्शन।
तो इसका ऐसा रखने का रीजन क्या किसने सोचा है कि लंग्स को इतना हड्डियों में हमने क्यों प्रोटेक्ट करके रखा है, इवन योर ब्रेन, ब्रेन को भी हमने स्कल में प्रोटेक्ट करके रखा है, सही बात, इवन इन योर वेस्ट रीजन जो वेस्ट रीजन होता है उसमें भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर ऑल्सो वेरी मच प्रोटेक्टेड बाई योर पेल्विक रीजन, पेल्विक बोन्स. तो दीज आर वॉट, दीज आर सम विसरल ऑर्गन्स. लंग इज अ विसरल ऑर्गन, विसरल मतलब बहुत ही प्राइम इंपॉर्टेंट वाला, जैसे हैशटैग लगा रही हूँ मैं इसको कि विसरल मतलब इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, राइट. लंग को डैमेज हो गया तो पूरा ब्रीदिंग ही कोलैप्स हो जाएगा, रेस्पिरेशन ही कोलैप्स हो जाएगा. तो दैट इज वाई दे आर वेरी क्या बोलते हैं उसको, बहुत ही स्मार्टली प्रोटेक्ट कर रखा है पूरे वर्टिब्रल कॉलम से, पूरे बोन से एक केज बना के रखा है, मान लो एक जाली बना के रख दी हमने लंग्स को, उसके बीच में सस्पेंड कर दिया ऐसी, इसके ऊपर ऐसे रिब्स आते हैं एंड अंदर है हमारा मसल का बनाया हुआ सॉफ्ट सा लंग. बीच में देख सकते हो यहाँ पे हार्ट भी है, देन ये है हमारा मसल छोटा सा थिन सा जो है डायफ्रैगम, है कि नहीं. So that is how very nicely they have placed. Then lung के बाद क्या आता है, next region जहां से हवा जाएगी वो है pharynx. So after lungs, मतलब ऐसा sequence में नहीं जा रहे हम, lungs तो पूरा आएगा from your trachea to bronchi, but अगर हम starting से जाते हैं कि जहां से आप सांस लेते हो तो from nose directly enter कर जाता है to the pharynx region. नाक से जाएगा हमारा नेजल कैविटी टू फारिंग्स रीजन. फारिंग्स मतलब एक कॉमन पैसेज है जहां से एयर एंड फूड दोनों भी जाएगा. अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट बताना चाहोगे, बिकॉज आप लोगों ने डाइजेशन नहीं करा है इसलिए, व्हाट इज अबाउट गुलेट एंड ग्लॉटस. नाउ गुलेट एंड ग्लॉटस का यही पे लिख दू क्या, सी आई विल ट्राई टू हाईलाइट विद डिफरेंट कलर. देखो ये जो आपको दिख रहा है ग्रीन में, ये क्या है, ट्रैकिया है, मतलब यहाँ पे क्या जाएगा, एयर पास होगा, विंड पास होगा. एंड व्हेन आई शो यू विथ दिस कलर, ये पिंकिश जो है, दिस इज योर फूड पाइप, आई कैन से दिस इज योर फूड पाइप. तो टेक्निकली ये दोनों आजू बाजू में ही है, मतलब ये और ये दोनों भी ऐसे एक दूसरे के बाजू में ही है पाइप, विंड एंड फूड पाइप. कभी कभी ऐसा हुआ है क्या बच्चों आपके साथ, आपने पानी पी लिया, नाक से पानी आ गया, बहुत सारा पानी एक साथ ले लिया ऊपर लेके एंड नाक से पानी आ गया, वाई वाई इट हैपन लाइक दैट, बिकॉज आपने यहाँ से पानी पिया एंड यू हैव डन लाइक दिस, मतलब ऊपर देके पानी पिया आपने, तो क्या हो गया, ये जो कॉमन पैसेज था, इस कॉमन पैसेज से पानी ऐसा आ गया थ्रू योर नोज. ओके, वो बहुत ज्यादा अमाउंट हो गया, थोड़ा थोड़ा पीना चाहिए था, एकदम से बहुत ज्यादा अमाउंट हो गया है, तो क्या हो गया, इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू फूड पाइप वो उल्टा आ गया थोड़ा सा. तो ऐसा होता है बहुत बार, इट्स ओके, इट्स ओके. तो बिकॉज वो अवॉइड करना चाहिए ना कि विंड पाइप में ना आ जाए, इसलिए पानी को नाक से बाहर निकाला है. विंड पाइप में चला गया तो मुश्किल हो जाती है, कुछ भी खाना भी अगर गलती से विंड पाइप में जाता है तो क्या होता है, खांसी लग जाती है, करेक्ट. जब तक आप पूरा बाहर नहीं निकाल लेते, सांस अटक जाती है, यू फील चोक्ड. क्यों? बिकॉज वहां पे खाना जाना चाहिए, विंड में विंड जाना चाहिए, खाने में खाना जाना चाहिए. यस, तो ग्लॉटिस एंड गुलेट का क्या मतलब है, सी ग्लॉटिस, ग्लॉटिस में क्या है, टिस, एस, समथिंग विच इज रिलेटेड टू रेस्पिरेशन. तो ये ओपनिंग है किसका, एयर पाइप का, एयर या विंड पाइप का. एंड गुलेट क्या है, ये ओपनिंग है आपके फूड पाइप का. सो दिस ओपनिंग इज कॉल्ड एज ग्लॉटिस, दिस ओपनिंग इज कॉल्ड एज गुलेट. एंड ग्लॉटिस को क्या करते हैं हम, बहुत जब क्या हो जाता है, एक साथ अब खाना भी खाते हो एंड एक साथ अब सांस भी लेते हो, करेक्ट. तो समटाइम्स इट इज पॉसिबल कि खाना गलती से एयर पाइप में चला जाए, तो इसको अवॉइड करने के लिए एयर पाइप के पास होता है एक कवरिंग, जिसको कहा जाता है एपिग्लॉटिस. एपिग्लॉटिस क्या है, एक छोटा सा कवरिंग है, मतलब वो क्या करेगा, मसल को ऐसे विंड पाइप को क्लोज कर देगा ताकि खाना चुपचाप से बाहर, ऑब्वियसली यही से जाएगा ना, अगर मैं इसको बंद कर दूंगी तो ये कॉमन पैसेज से खाना कहाँ जाना चाहिए, इधर ही जाना चाहिए, गलती से भी यहाँ पे नहीं आएगा. ये आपको दिखाने के लिए बच्चों ऊपर नीचे ड्रॉ किया है, बट एक्चुअली वो पैरेलल है, दो पाइपलाइन को पैरेलली इमेजिन करो, एक साथ जा रहे हैं. ओके, सो इमेजिन लाइक दैट. तो ग्लॉटिस एंड गुलेट क्या है, ओपनिंग है. याद कैसे रखोगे, ग्लॉटिस, ग्लॉटिस रेस्पिरेशन, वाइंड या एयर से
कनेक्टेड होता है वो, इसलिए एयर पाइप का ओपनिंग यू कैन से. एंड गुलेट इज वेयर एरिया जहां पे फूड पाइप का ओपनिंग होता है. एंड एपिग्लॉटिस, ग्लॉटिस एपिग्लॉटिस याद रखने के लिए इजी है क्योंकि ग्लॉटिस को ही कवर करता है पीछे से ऐसे एपिग्लॉटिस, ताकि फूड वहां पे एयर के पाइप में घुसना ना चाहिए, इसलिए. क्लियर? यस मैम. ओके, लैरिंग्स को चले. सी यहाँ पे दिया है, मैंने देखा ही नहीं. सी दिस इज ट्रैकिया, दिस इज फूड पाइप, कैसे दोनों भी साथ साथ में चल रहे. ये क्या है? एपिग्लॉटिस है. ये क्या करेगा? इस ट्रैकिया को ऐसे बंद कर देगा ताकि फूड चुपचाप यहाँ से इधर चले जाए. सो दिस इज योर फूड, एंड फूड यहाँ जा रहा है कि नहीं फूड पाइप में. अगर ये ऐसे इधर आ गया, फिर से निकालती हूँ इसको, तो आपके खांसी लग जाती है. फिर दिस इज योर फूड, खाना खा रहे हो आप, खाते हुए अगर ये फूड इधर आ गया तो क्या हो जाएगा? यू विल गेट चोक्ड, एंड तब तक खांसोगे जब तक यहाँ से फूड हम बाहर निकाल देंगे खास खास के. इसलिए क्या क्या करता है? एपिग्लॉटिस इसको बंद कर देगा ताकि फूड यहाँ पे चला जाए. ओके, एंड ये जिस रीजन में सिचुएटेड है, जिस एरिया में वो सिचुएटेड है, दैट इज लैरिंग्स. यहाँ पे आगे भी एक छोटा सा ऑर्गन होता है लैरिंग्स, जिसमें कहते हैं वॉइस बॉक्स, साउंड बॉक्स. क्योंकि साउंड बॉक्स ऑपरेट कब करता है बच्चों? अब अगर आप गले में से थोड़ी हवा निकालते हो तभी साउंड बॉक्स ऑपरेट करेगा. सिंपल, अपनी बांसुरी को देखा होगा, बांसुरी को बजाते हैं कन्हैया जी, राइट? तो बांसुरी को बजाते हुए कैसे बजता है वो? व्हेन द एयर इज बीइंग पास्ड, जब आप उसको एयर पास करते हो, एंड जब यू फ्लूट इट, फ्लूट कहते हैं ना उसको, तो एयर का पास होना जरूरी है टू प्रोड्यूस साउंड. इसलिए साउंड बॉक्स इज प्रेजेंट नियर द ट्रैकिया ताकि एयर वहां से पास होके नीचे जाए. समझे? साउंड बॉक्स क्यों कवर होगा? मतलब किस टाइम पे? ग्लॉटिस कवरिंग नहीं है बच्चा, ग्लॉटिस तो ओपनिंग है. ग्लॉटिस को और एक लेयर कवर करेगा, वो जो है एपिग्लॉटिस. ओके, तो एपिग्लॉटिस कवर करेगा ग्लॉटिस को, ये बोलना सही रहेगा. साउंड बॉक्स हो या विंड पाइप हो, उसको एपिग्लॉटिस कवर करेगा, ये कवर करेगा ये, टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ द फूड इन टू लैरिंग्स एंड विंड पाइप. तो ग्लॉटिस इज द ओपनिंग ऑफ लैरिंग्स यू कैन से, या ऑफ द विंड पाइप, जिसको कवर कर रखा है एपिग्लॉटिस ने. ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर हम चले ट्रैकिया के पास, जो आगे है. ये जो ट्रैकिया है ऐसा रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं. ट्रैकिया जो है ना ऐसा फ्लेक्सिबल कार्टिलेज से बना है. This is made up of cartilage. क्यों बना है ये थोड़ा सा flexible? क्योंकि आप जब inhale and exhale करते हो, आपका chest का जो cavity है, जो bone से बना है, ribs, and जो अंदर के जो lungs है, दोनों भी expand होते हैं. क्योंकि lung expand हुआ तो उसके ऊपर के जो bones है, ribs है, वो भी thoracic cavity कहते हैं उसको. chest region को क्या कहते हैं? Thoracic cavity, वो भी expand होता है. तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है एक्सपांशन रिलैक्सेशन की, अगर ट्रैकिया फ्लेक्सिबल नहीं रहेगा तो आप एक्सपांड नहीं कर पाओगे. तो रबर अगर हम खींचेंगे नहीं, मतलब रबर को अगर रबर जैसा इलास्टिसिटी नहीं मिले तो वो खींचेगा नहीं. वैसे ही अगर हमको एक्सपांड करना है तो फ्लेक्सिबल रखना मसल्स को जरूरी है. दैट इज वाई ट्रैकिया जो है वो सिंपली कार्टिलेजियस टिश्यू से बना होगा. एंड यही ट्रैकिया आगे जाके क्या हो जाएगा? ब्रोंकाई में शिफ्ट हो जाएगा. So, trachea, if you see, ऐसा होगा, and पेड़ जैसा, just like a branching tree, ये ऐसे और आगे branch बनाएगा lungs में. तो till here हमारा था trachea, यहाँ पे क्या आ जाएगा? Yes, anybody? Bronchi. Bronchi. And ये क्या है? Bronchioles है. एंड टर्मिनल्स पे जो ऐसे होंगे लोब लाइक स्ट्रक्चर, वो होगा एल्वियोलाई. यस, कितने देर से आया यार ये फिगर. चलो एनीवे, मैंने ही निकाल दिया. सो यस, लास्टली क्या होगा हमारा? एल्वियोलाई, जो क्या है? छोटा सा बबल लाइक स्ट्रक्चर. हम किसी ने तो लड्डू लाइक स्ट्रक्चर में बोला था इसको, बट यू कैन रिमेम्बर, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहां पे बहुत सारे, now I'm making a hashtag, it is vascularized. ये अगर term है आपके book में, इसका मतलब क्या? कि इस एक bubble के इर्द गिर्द क्या होती है? बहुत सारे blood की capillaries होंगी, बहुत सारे blood vessels होंगी. क्यों होंगी?
Why air sacs will have blood vessels? ताकि मैम क्योंकि यहीं से जो रेस्पिरेशन से हमारे जो फूड एब्जॉर्प्शन होता है यहीं से होता है. पलक जी, स्वाति, कैन यू करेक्ट पलक? मैम यहाँ पे जो ब्लड के जो ऑक्सीजन और CO2 होती है उसका डिफ्यूजन होता है. वेरी करेक्ट. फूड का एब्जॉर्प्शन नहीं पलक बेटा, आपने गलती से बोल दिया होगा शायद. तो यहाँ पे विलाई से होता है. मैंने मिस्टेक की है. हाँ बट विलाई यहाँ पे नहीं आएंगे, ट्रैकिया में विलाई होता है. वो डाइजेशन में आता है. ठीक है, सॉरी मैम. हाँ इट्स ओके. तो ये जो लोब से छोटे 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 अनार दाने जैसे मान लो, तो दैट इज सराउंडेड बाय ब्लड कैपिलरीज. बिकॉज ये इस लोब को अगर मैं इस एक लोब को अगर थोड़ा बड़ा करती हूँ, एक ही निकालती हूँ, एंड इसके इर्द गिर्द की ये कैपिलरीज है. तो कैपिलरीज ब्लड क्या करते हैं, CO2 है जो बॉडी में जमा हुआ उसको लेके आएंगे, एंड हमने इनहेल जो किया ऑक्सीजन उसको यहाँ पे देंगे, CO2 यहाँ पे देंगे, मतलब एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा यहाँ पे. सो CO2 फिर जाएगा ब्रोंकिया, ट्रैकिया, लंग्स एंड नोज के पास बाहर. O2 चला जाएगा इस ब्लड के हिसाब से, ब्लड के मदद से पहले हार्ट के पास, एंड हार्ट से फिर जाएगा पंप होके पूरे बॉडी के सेल्स में. तो ये आपको चैप्टर इन कनेक्शन विद सर्कुलेशन में पढ़ना है, क्योंकि हम यहाँ पे प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं. रेस्पिरेशन मतलब क्या हो रहा है, लंग्स में क्या हो रहा है, हमने प्यूरिफाई करा है वाटर को, एयर को. सही बात. तो प्यूरिफाई इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ओके, समझ रहे हो हम लंग्स में क्या कर रहे हैं, क्या चक्कर चल रहा है? यस मैम. पक्का? यस मैम. मैम हाँ मैम, एक बार ये बता दो ये ब्लड के जो कैपिलरीज कैसे भर रखे हैं? ये आगे है निशा. वैसे इसका कोई अच्छा सा और डायग्राम नहीं है हमारे पास, आगे है, हम उसको आगे पढ़ेंगे भी. ठीक है, मैं आपको निकाल देती हूँ फॉर योर रेफरेंस. लंग्स में, अच्छा मेरे पास ना एक वीडियो भी है, याद दिलाना बच्चा, दिखाऊंगी मैं आप लोगों को मैम. हाँ मैम, अगर ये ब्लड कैपिलरी से बना है और इसमें ब्लड एक्सचेंज होता है, तो यहाँ से तो कोई वेसल्स कनेक्ट ही नहीं हो रही है. हो रही है ना, देखो. देखो देखो, अब पूरा पिक्चर निकालते हैं हम. ये है हमारे लंग्स. अब मान लो कि ये लंग्स से वैसे है तो नहीं, दिख तो नहीं रहे हैं. ओके, और इसके बीच में होता है हार्ट. ओके, इन बिटवीन वी हैव हार्ट पंपिंग. इमेजिन कर लो यार बच्चा जी प्लीज. वैसे मेरी ड्राइंग इतनी खास तो है नहीं. ये ट्रैकिया, इसने स्प्लिट करा, ब्रोंकियल्स बनाए, ये झाड़ बन गया हमारा ब्रोंकियल्स, एंड लास्ट में है कैपिलर एल्विलाई. एंड आप लोग क्या बोल रहे कि यहाँ पे वेसल्स नहीं आ रहे, ऐसा कैसे हो सकता है? पूरा बॉडी हमारा ब्लड वेसल से बना है. हर एक पूरा नेल्स का अगर आप हिस्सा लोगे, टू योर टोज, टू योर हेयर टिप, एवरीवेयर यू हैव ब्लड कैपिलरीज. क्योंकि जो भी खाएंगे, पिएंगे, जो भी सांस लेंगे, उसको हम टिश्यूज तक, सेल्स तक कैसे पहुंचाएंगे? थ्रू द ब्लड कैपिलरीज. तो ब्लड सिस्टम जो है ना, इतना कॉम्प्लिकेटेड है. हर तरफ, हर चीज के इर्द गिर्द में यू हैव ब्लड वेसल्स. ऐसे जैसे मान लो नेटवर्क का जाल है पूरा, अगर किसी भी टेलीफोन वायर को ऐसा पूरा जाल बना दो, तो वहां पे आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे. यू कैन नॉट डिफरेंशिएट दैट कि ये ब्लड वेसल कौन सा है, एल्विओले कौन सा है, पूरा ऐसे घेर के रखा है उसने. तो ये ऐसे आजू बाजू में वेसल्स होती है, हर तरफ होती है. नंदिता ने पूछा या निशा ने पूछा, ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट इन एवरीवेयर. इसे आप कहीं पे भी पिंच करो ब्लड निकलता है ना, सिंपल सी बात है. स्किन को पिंच करो, ब्लड क्यों निकला? वहां पे भी ब्लड वेसल्स है ना. तो यहाँ पे भी ब्लड वेसल्स है, सब तरफ ब्लड वेसल्स होंगी. तो ये ब्लड वेसल्स क्या करेगी, हार्ट से हमने पहले सारे ब्लड को हार्ट के पास भेजते हैं, ये भेजेगा लंग्स की तरफ फॉर प्यूरिफिकेशन. अब यहाँ पे क्या होगा, प्यूरिफिकेशन में क्या होगा, ये जो एक एल्विला है इसके अंदर जो O2 आया है एंड जो कैपिलरीज ने CO2 लेके आया है, तो O2 को यहाँ भेजेंगे, CO2 को यहाँ भेजेंगे, एंड ये वाला प्यूरिफाइड ब्लड वापस से लेके जाएंगे हार्ट के पास, फिर हार्ट पंप करेगा सारे बॉडी की तरफ. ये सर्कुलेशन वाला हिस्सा आपको सर्कुलेशन के चैप्टर में और क्लियर होगा, अभी चाहिए तो यू स्किप दिस. If you want, ये हार्ट वाला हिस्सा छोड़ दो.
सिर्फ इतना ही याद रखो कि लंग्स में क्या हो रहा है, लंग्स में हो रहा है, सब तरफ ब्लड वेसल्स होते हैं, ऐसा बॉडी का कोई हिस्सा नहीं है कि ब्लड वेसल नहीं है, क्योंकि ब्लड वेसल आर द प्राइमरी, व्हाट यू कैन से, ब्लड वेसल आर प्राइमरी साइट फॉर व्हाट, ट्रांसपोर्ट और एक्सचेंज ऑफ एवरीथिंग, एक्सचेंज चाहे फूड का हो, गैसेस का हो, मिनरल्स का हो, एनीथिंग. तो इवन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया भी अगर आपने देखो यहाँ पे भी पहली बार क्या होता है, आपके नोज में जो सीलिया होंगे, जो हेयर्स होंगे, वहां पे हम बैक्टीरिया को, डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करेंगे. उससे भी अगर बच के चला गया तो ट्रैकिया में भी क्या होते हैं, सीलिया होती है, छोटी छोटी सेल्स जो होते हैं ना उसके ऊपर ऐसे सीलिया होती है, सेल्स के ऊपर लगे हुए ट्रैकिया के, ये भी क्या करेंगे, यहाँ से जो जाती रहती है हवा उसको पकड़ लेंगे, डस्ट पार्टिकल्स को पकड़ेंगे, कोई बैक्टीरिया आया है, वायरस आया है तो भी पकड़ेंगे. इससे भी छूट के अगर वायरस अंदर आ गया एंड एल्वियोलाई के थ्रू ब्लड में चला गया, देन फिर उसको पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर दूसरा इम्यून सिस्टम तब ऑन करना पड़ता है. बट प्राइमरी, जैसे हमारे डिफेंस सिस्टम बॉडी में भी है ना, हमारे पास एयरफोर्स है, नेवी है हमारे देश की सुरक्षा के लिए, वैसे भी बॉडी में प्राइमरी में कौन है, ये सीलिया, ये म्यूकस, ये क्या करते हैं, सबसे पहले बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द डस्ट एंड द पैथोजेंस. तो ब्लड में नहीं घुसना चाहिए, क्योंकि ब्लड इज द प्राइमरी साइड जो पूरे बॉडी में हर तरफ जाता है ब्लड. तो एक बार इन्फेक्शन हो गया तो पूरे बॉडी में अगर ब्लड तक गया कोई भी इन्फेक्शियस पार्टिकल, तो डेफिनेटली वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट होना ही है कि नहीं, ये चीज समझ रहे हो ना आप? यस मैम. ये कैपिलरीज वाला चीज क्लियर? यस मैम. आगे आगे पढ़ेंगे, आपको और भी बहुत चीजें हैं जो और क्लियर होगी. तो आप कोई मुझे बता सकता है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, अब हमने देखा सारे पार्ट्स देखे रेस्पिरेटरी सिस्टम के, तो कैन एनीवन टेल मी कि उनमें से कौन सा कंडक्टिंग कहलाएगा, कौन सा एक्सचेंज कहलाएगा, मतलब ऐसा कौन सा पार्ट है जो गैस को, एयर को कंडक्ट करता है, सिर्फ ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, एंड एक्सचेंज कौन करवाएगा? ट्रैकिया मैम, नोज. ट्रैकिया, ब्रोंकियोल्स, ये सब कंडक्टिंग पार्ट्स में आ जाएंगे. यस स्वाति, ट्रू. हाँ यस, एक्सचेंज पार्ट में एल्वियोलर सैक और एल्वियोलाई. ओके, एल्वियोलर सैक एंड एल्वियोलाई. यस, वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट. खुशी, यस यू आर राइट, ट्रू. तो देखो मैम, कंडक्टिंग पार्ट, हार्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम का हिस्सा नहीं है, सर्कुलेशन सिस्टम का हिस्सा है बच्चा. तो हार्ट चेंज होता है ना, हार्ट में कहा गैसेस एक्सचेंज होगा, लंग में होगा. हार्ट सिर्फ पंप करेगा ब्लड को, हार्ट और कुछ नहीं करता है. हार्ट सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड, मतलब प्योर एंड इम्प्योर ब्लड को सेपरेट करके, वो सिर्फ प्योर, मतलब ना उसका एज सच काम इतना ही है कि पूरे बॉडी का जो गंदा ब्लड है उसको लेके आए, गंदा मींस कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन होने वाला ब्लड, और भेजे लंग्स के पास, एंड लंग से जो प्योरिफाइड ब्लड है जिसमें एयर हमने ऑक्सीजन डाल रखा है वो लेके आए हार्ट के, एंड हार्ट से पूरे बॉडी में. तो हार्ट में एक्चुअल एक्सचेंज वगैरह कुछ नहीं होता है. So that will not study here. तो conducting part में जैसे क्या, nose, pharynx, larynx, trachea, bronchus and bronchiole. Till this you will have a conduction of air. And इसी conducting part से क्या होता है, आप लोग बहुत सारे foreign particles से, dust particles से, body temperature को regulate करने से ये सारे conducting parts help करते हैं. आप लोग सर्दियों में करते हो ऐसे ऐसे हाथ मलोगे करके हवाज निकालते हो. Why? अगर वार्म एयर आता है आपके मुंह से, नाक से भी, why? Because of this conducting part. वहां पे क्या होता है, जो छोटे छोटे सेल्स है, सारे सेल्स में क्या होती है, सीलिया होती है. अगर ये ट्रैकिया है तो छोटे छोटे सेल्स के ऊपर से सीलिया लगी रहेंगी, स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर. ये क्या करता है, फ्रिक्शन करता है, एयर को थोड़ा सा गर्म करेगा, ह्यूमिडिफाई करेगा, जिससे आपको गर्म सांस आएगी सिंपली. ओके, बॉडी टेम्परेचर को ये मेंटेन करेगा. बाहर बहुत ठंड है एंड फिर भी आप जब रब करते हो हैंड को, जब क्या होता है, हैंड को रब करने से नहीं होता है बेसिकली, सिंपली व्हेन यू डू एक्सरसाइज या कुछ ऐसे करोगे जिससे आपको हैवी फील हो, या फिर जिससे आप तेज सांस लो, तो तेज सांस होते होते जब बहुत फास्ट सांस लेते हो तब
फ्रिक्शन के वजह से यहाँ पे थोड़ा हॉट एयर मुंह से निकलता है. तो दैट इज ट्रू कंडक्टिंग पार्ट. एंड एक्सचेंज पार्ट में सिर्फ O2 एंड CO2 का डिफ्यूजन होना है. अब ये तो आपको पता होना चाहिए कि गैसेस का डिफ्यूजन होता है, नॉट एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट. ये हमने पढ़ा है ट्रांसपोर्ट में भी, है ना? यस मैम. ओके, तो आई थिंक यहाँ तक हम रुकते हैं क्योंकि बहुत कुछ कर लिया हमने. इसके बाद स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन वगैरह, ये तो सेम है. एयर पैसेज कैसा जा रहा है फ्रॉम नॉस्ट्रिल्स, मतलब आपके जो नोज ओपनिंग है दैट इज नॉस्ट्रिल्स, नेजल कैविटी, फेरिंग्स टू लैरिंग्स, लैरिंग्स ट्रैकिया, ट्रैकिया टू ब्रोंकस, अल्वियोलाई, ब्लड एंड देन बैक लाइक दिस. ये तो आपको पता है. एक चीज शायद मैंने नहीं बोला, हाँ, अबाउट द प्लूरल फ्लूइड मैंने ये चीज मिस की है. आई टेल यू दैट हियर, यहाँ पे कि लंग्स और बोन्स के बीच में एक थिन मेम्ब्रेन आता है. हमने क्या देखा यहाँ पे कि लंग्स जो है पूरे वर्टिब्रल कॉलम से सराउंडेड है, प्रोटेक्टेड है. सही बात. तो क्या हो सकता है अगर हम बोन को, इस वाले बोन को और ये लंग को एक साथ रखेंगे तो घिसने की वजह से फ्रिक्शन हो सकती है, क्योंकि एक मसल है दूसरा बोन है. तो इन दोनों के बीच में ना हल्का सा गैप होता है, छोटा सा गैप होता है, जिसको हम प्लूरल कैविटी कहते हैं. एंड ये जो लंग्स होते हैं ना, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है जिसको हम प्लूरल मेम्ब्रेन से सराउंडेड है. ये एक दो मेम्ब्रेन वाला स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेन है ये. एंड इनके अंदर का जो फ्लूइड होगा उसको ही कहेंगे प्लूरल फ्लूइड. आपको पता है बच्चा, बहुत बार ना, जैसे अभी हमने कोविड को देखा, तो ये प्लूरल फ्लूइड में भी, मतलब ये यहाँ पे होता है प्लूरल फ्लूइड ऐसे इधर, ये तो इसमें भी कभी अगर इन्फेक्शन चला गया ना, तो इट टेक्स वेरी डिफिकल्ट टास्क टू रिमूव इन्फेक्शन फ्रॉम दिस. क्योंकि एक तो ये लंग्स में भी नहीं है, एक तो बोन्स में भी नहीं है. ये ऐसा एक आउटर कवरिंग है जो लंग्स को सराउंड कर रहा है बस. समझ रहे हो? हाँ, यस यस खुशी. तो ये हमारा मिस हो गया था, वो अभी प्लूरल फूड का स्लाइड देख के आई जस्ट रिकॉल्ड कि वी हैव. सो दैट इज व्हाट लुब्रिकेट्स द सरफेस ऑफ लंग्स एंड प्रिवेंट्स द फ्रिक्शन बिटवीन द मेम्ब्रेन. प्लूरल मेम्ब्रेन का फ्रिक्शन ये प्रिवेंट करेगा. तो प्लूरल हमेशा बच्चों याद रखो, ये जो प्लूरल हो गया या मतलब लंग्स से भी कोई भी रिलेटेड टर्म आता है, न्यूमोनिया, समथिंग विच इज रिलेटेड टू PLE, हाँ, पल्मोनरी, इवन पल्मोनरी, ये सारे टर्म्स है रिलेटेड टू रेस्पिरेशन या लंग्स. पल्मोनरी हो गया, आर्टरी, पल्मोनरी वेन्स, प्लूरल फ्लूइड, दीज आर द टर्म्स जो लंग्स से रिलेटेड है. ओके, पल्मोनरी प्रेशर देखेंगे हम, पल्मोनरी वॉल्यूम देखेंगे. सो पल्मोनरी इज नथिंग बट योर टर्म विज रिलेटेड टू लंग्स. ओके, आगे का क्लास इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, जहां पे हम ये करेंगे रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग करेंगे, मैकेनिज्म वगैरह करेंगे. तो इसको हम कल के क्लासेस स्टार्ट करेंगे. उसके पहले मुझे याद भी दिलाना बच्चों, छोटा सा वीडियो भी था जो ब्रीदिंग का हम करेंगे ना कल क्लास एंड में, दिखाऊंगी मैं वो ब्रीदिंग का छोटा सा एनिमेशन. अभी हमने कराया नहीं ना, इसे आपको दिखा नहीं पाऊंगी. यस, यू गाइस ऑल्सो हैव अ क्लास, सो आई अलाउ यू टू ड्रॉप, विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास टुमारो. ओके मैम, सेंड कर देना. कौन सा वीडियो? हाँ, ये वाला पीडीएफ अभी सेंड कर देना. ओके, यस, बाय बाय पलक, बाय, जॉइन द क्लास, बाय बाय, गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग बच्चा लोग, बाय.